ठिकानों पर पुलिस की दबिश। पारस पानी के जंगल और गौर नदी के आसपास दबिश डाली गई है, तो भोलक और खरार घाट में भी दबिश दी गई। तो नदी किनारे रेत के नीचे छिपाकर रखी गई थी शराब। 4800 लीटर लाहन और 3 भट्टियों को नष्ट किया गया। तो नष्ट लाहन से 11,000 लीटर शराब बनाने की तैयारी थी। जंगल का फायदा उठाकर फरार हुए आरोपी। जबलपुर से बड़ी खबर। तो पारस पानी, ये देखिए, इलाका कच्ची शराब के ठिकानों पर पुलिस की दबिश और ऐसी ऐसी जगहों से कच्ची शराब का ये जखीरा बरामद हुआ कि हैरान रह गए पुलिस वाले। पारस पानी के जंगल और गौर नदी के आसपास ये दबिश डाली गई है, रेत डाली गई यहाँ पर। तो भोलक और खरार घाट में भी दबिश यहाँ पर पुलिस की पड़ी है, आबकारी विभाग ने दबिश डाली है। तो नदी किनारे रेत के नीचे छिपाकर शराब को रखा गया था। तो हैरान करने वाली ये तस्वीर सामने आई। तो 4,800 लीटर लाहन, 4800 लीटर लाहन और 3 भट्टियों को नष्ट कर दिया गया। तो बड़ा ऑपरेशन यहां पर चलाया गया कच्ची शराब के खिलाफ। उसके ठिकानों पर पुलिस ने रेड डाली है, दबिश डाली है। तो पारस पानी के जंगल और गौर नदी के आसपास ये दबिश दी गई। तो कच्ची शराब के ठिकानों पर पुलिस की रेड, भोलक और खरहर घाट में भी दबिश डाली गई।